हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स में। आज हम आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती लेके आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन आप दबा दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपडेटेड रहें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। इंडियन पोस्ट सर्कल रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यहाँ पे सीधी भर्ती निकाली गई है 2020 के लिए। और जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसमें ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। अगर आप दोस्तों 10th पास आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें मिनिमम जो एजुकेशन मांगा गया है 10वीं पास मांगा गया है और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है 2021 पोस्ट है, यानी कि 2000 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इंडियन पोस्ट सर्कल ने निकाला है, भारतीय डाक के ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और इसमें जो आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा 18 मार्च 2020 का रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए, जिसमें कि आपको मैं सारे डिटेल प्रोवाइड करूंगा, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां मैं आपको लेकर चलता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक सर्विस सर्कल सेकंड 2019 का ये नोटिफिकेशन है जो दोबारा यहाँ पे निकाला गया है। ये वेस्ट बंगाल सर्कल के लिए पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन नंबर है ये 18 फरवरी 2020 को ये रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे लिखा है, एप्लीकेशन आर जो इनवाइटेड फॉर रिस्पेक्टिव जो रिक्रूटिंग ऑथराइज सोन टू एनेक्शर वन अगेंस्ट द ईच पोस्ट। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो हम डिटेल से बात करते हैं। यहाँ पे जो पहली पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए जॉब प्रोफाइल, पहला पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर। यहाँ पे बीपीएम के लिए पोस्ट निकाली गई है जो कि अलग अलग ब्रांच के लिए निकाली जाएगी। तो इसके लिए यहाँ ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और जो इसमें दूसरी पोस्ट है, दूसरी पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM के लिए ये है। और हम आगे बढ़ते हैं, जो तीसरी पोस्ट है यहाँ पे, तीसरी पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाक सेवक के लिए निकाली गई है। और चौथी पोस्ट की हम बात करेंगे, यहाँ पे जो चौथी पोस्ट है ये टोटली यहाँ पे तीन पोस्ट निकाली गई। तो इसके हम डिटेल से बात कर लेते हैं। जो ये यहाँ पे निकाली गई है असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के लिए, यहाँ पे जो सैलरी रहेगी आपकी 12,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी और मिनिमम TRC फॉर 4 आवर्स। आपका TRC 4 घंटे का आपका डे होना चाहिए। लेवल वन का TRC आपको स्लैब आपको मिलेगा और मैक्सिमम सैलरी जो 5 घंटे के हिसाब से आपको 14,500 आपको मिलेगी। अगर ABPM जो असिस्टेंट डाक सेवक पोस्ट मास्टर है या डाक सेवक के लिए, यहाँ पे 10,000 रुपये सैलरी रहेगी से 12,000 के बीच रहेगी। जो मिनिमम 4 घंटे आप काम करते हैं तो उसका 10,000 रहेगा और 5 घंटे वाले को 20,000 यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जैसे कि ये पोस्ट निकाली गई दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडियन पोस्ट पे अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन वेस्ट बंगाल सर्कल 2021 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। और इसके यहाँ पे डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 18 फरवरी 2020 से इसके नोटिफिकेशन आउट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 18 मार्च 2020 तक के चलते रहेंगे। तो एप्लीकेशन का सिंपल है प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, उसके बाद फीस पेमेंट आप करेंगे और जो एप्लीकेशन मोड है अप्लाई सेक्शन में आप जाएंगे। तो फर्स्ट सेटअप में आपको अपना एप्लीकेशन फिल करना है, सेकेंड में आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तीसरे में आपको जो आपका पोस्ट प्रिफ्रेंस है उसको आप देख सकते हैं, आप जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उसका प्रीव्यू आप ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैं आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज रहा हूँ और साथ ही साथ जो जॉब है उसका नोटिफिकेशन उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम आगे जब बढ़ते हैं, जो यहाँ पे डिटेल से हम देखते हैं एक बार, यहाँ पे जो आपकी एज मांगी गई है यहाँ पे, तो एज यहाँ पे 18 से 40 साल के कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट रूल, कुछ आपको पता है कुछ गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिलेगा। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्रिब्यूट से आपका आते हैं, SC ST आप है तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लास से आप आते हैं, OBC से आप आते हैं तो 3 साल का यहाँ पे रहेगा। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन होता है EWS, उनका यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और जो पर्सनल विद डिसेबिलिटी है PWD जो हम कह सकते हैं, या जो दिव्यांग है उनके लिए 10 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। और पर्सनल जो विद डिसेबिलिटीज प्लस OBC है उसको 13 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा, यानी 13 साल वो यहाँ पे 53 साल तक अप्लाई कर सकता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी विद SC ST उसको 15 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एज पर रूल आप गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आप रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। और जो यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है, तो एजुकेशन आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो 10th पास है आपका पास होना चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास किया हो 10th, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कंपलसरी जो नॉलेज है लोकल लैंग्वेज, अगर यहाँ वेस्ट बंगाल सर्कल के लिए तो आपको थोड़ी बहुत बंगाली आपको आनी चाहिए जो वहाँ की लोकल रीजनल लैंग्वेज है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें अदर डिटेल को लेकर, तो
जो यहाँ पे सर्कल ऑफिस है, जो अलग अलग सर्कल यहाँ पे नेम्स ऑफ सर्कल ऑफिस लैंग्वेज ऑफ द, तो बेसिकली यहाँ पे आंध्र प्रदेश सर्कल के लिए आपको यहाँ पे तेलुगु आनी चाहिए, और जो आसाम सर्कल के लिए आपको आसामी और बंगाली आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली लोकल लैंग्वेज को यहाँ पे प्रेफरेंस थोड़ी बहुत दी गई है, और ये काफ़ी जो है, ये एक्चुअली जो नोटिफिकेशन है पूरे, अगर आप बिहार के लिए कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, तो ये पूरी डिटेल है। यहाँ पे हम जिस पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको बंगाली आपको आनी चाहिए, और बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आपने ले रखी हो, आपके पास नॉलेज हो तो आप उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ दे सकते हैं, आपका 60 दिन का आपने कोई कोर्स किया हो, और रेजिडेंस भी यहाँ पे मांगा जाता है, क्योंकि GDS जो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2000 के हिसाब से आपको यहाँ पे जो GDS BPM मस्ट बी प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन ब्रांच पोस्ट ऑफिसर सिलेक्शन बिफोर एंगेजमेंट, द एकोमोडेशन शुड मीट फॉलोइंग प्रेफरेंस, द बिल्ड आपका मतलब अपनी जगह होनी चाहिए, उसका आपको रेंट भी यहाँ पे मिलता है, तो उसके हाउस प्रॉपर रेंटेड एकोमोडेशन जो आपको यहाँ पे मिलता है उसके आपको बेनिफिट भी मिलते हैं, और लोकेशन साइज़ ये आपको अप्रो जो आपका जहाँ पे आपका ऑफिस रहेगा बेसिकली जो होते हैं, और नॉलेज साइकिलिंग यहाँ पे लिखा है, प्री रिक्वेस्टिंग GDS पोस्ट साइकिल का जो वो है, और यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल है, एक्वे मीन्स लाइव होल्ड और काफ़ी सारे डिटेल है, तो ये नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़िए डिटेल से, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और फिनिशिंग सिक्योरिटी काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब आप अगर पोस्ट मास्टर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस पे आप घर में ही रखते हैं, मतलब उसके साथ ये कंबाइंड होता है, तो आपके पास वो भी होना चाहिए। और बात करें इसमें जो एग्जामिनेशन अप्लाई GDS पोस्ट, और जिसके एप्लीकेशन जो रहेंगे वो ऑनलाइन मोड में रहेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इस पर हम बात कर लेते हैं, तो सिलेक्शन आपका ऑटोमेटिक जनरेटेड जो मेरिट लिस्ट होगी उसके हिसाब से आपका बनेगा, मतलब वो कंप्यूटराइज आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर रहेंगे, जैसे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी लोकल लैंग्वेज, आपका जो जो यहाँ पर मांगा गया, जो ज़्यादा मैच करेगा तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी आ जाएगी, आपका रेजिडेंस भी आ जाएगा, आपका लोकल जो लैंग्वेज है उसका नॉलेज भी आ जाएगा, तो सारे फैक्टर के हिसाब से आपकी यहाँ पे मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे 2000 से ज़्यादा पोस्ट है, तो यहाँ पे आप ज़रूर इस पोस्ट के लिए भरिए, और आपको जो है कि पूरी इसमें जो जॉब का है यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और आपको यहाँ पे अप्लाई जैसे बताया गया कि आपको कैसे अप्लाई करना है, तो ये इसका एप्लीकेशन लिंक है www.ap.post.in/GDS-online, आप जाएंगे तो ये 18 फरवरी से इफ़ेक्टिव हो जाएगा रजिस्ट्रेशन इसके, और 18 मार्च ये 2020 तक रहेगा। तो बेसिकली जो आप देख सकते हैं कि ये जो इंडियन पोस्ट के रिक्रूटमेंट आते रहते हैं, इसके हर सर्कल के लिए निकलती रहती है वैकेंसी, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के रख सकते हैं, आपको जहाँ पे आप प्रेफरेंस के हिसाब से आपके होती है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन में आप अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, फादर नेम हो गया, मोबाइल नंबर आपको रखना पड़ेगा जो रजिस्ट्रेशन के लिए होगा, उसमें आपकी सारी जो कन्वर्जेशन होगा, जो मेल या मैसेजेस जो आएंगे उनके लेकर, तो आपके मोबाइल पे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर आपको देनी पड़ेगी, कम्युनिटी आपको देनी पड़ेगी, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है, अगर आप किसी भी मतलब रिलैक्सेशन में आते हैं, रिजर्वेशन में आते हैं, चाहे आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, SC ST हैं, तो आप उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे आपको, आपको 10th पास का जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ रखना पड़ेगा, और जो 10th पास का सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर आप ऑप्शनल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसके रूल हैं, वन लीव वन रजिस्ट्रेशन अलाउड टू वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट एक ही यहाँ पे एप्लीकेशन अपना सबमिट कर सकता है, तो सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, उसको अप्लाई करने के बाद आपको ना कोई इंटरव्यू देना है, ना कोई एग्ज़ाम देना है, आपका ये प्री मतलब कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक जनरेटेड आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो फीस यहाँ पर 100 रुपये की रहेगी, फीस पेमेंट का हम एक बार डिटेल से बात कर लेते हैं, तो फीस पेमेंट यहाँ पर 100 रुपीज़ रहेगी, जो कि OC OBC EWS मेल पेमेंट उसके लिए रहेगा, और जो आपको इसी सेम रजिस्ट्रेशन लिंक पे आपकी फ़ीस वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, आपको मैं जो इसका GDS इंडियन पोस्ट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, बेसिकली रिक्रूटमेंट के लिए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है जो निकला हुआ है अभी 2100 पोस्ट के लिए, अभी जो अगर आपने पहले भी भरा, आपने महाराष्ट्र सर्कल के लिए या असम सर्कल के लिए, तो इसके रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाले हैं, तो यहाँ पे ये जो इसका है यहाँ पे निकलता रहता है, रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन लिंक खुल जाएगा, वहाँ पे जो जो डिटेल बताई गई थी वो आपको फिल करनी है, और सिंपली इसमें बिल्कुल कोई आपका एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी आपको इंटरव्यू नहीं देना, आपका ऑटोमेटिक जनरेटेड होगा, आपको केवल अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करना है और फीस आपको सबमिट करनी है, तो उसके बाद वो खुद ही आपको, तो इसमें मतलब जो इंडियन पोस्टल सर्कल है इसकी रिक्रूटमेंट निकलती रहती है, लगभग इस साल में ही कम से कम 5 से 10 हज़ार पोस्ट निकल चुकी है, और ये निकलती रहेंगी, और जिनके रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट पोस्ट निकल जाती है लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, बिहार के यहाँ पे 1000 पोस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है,
छत्तीसगढ़ का डिक्लेयर हो चुका है जो कि 2000 पोस्ट थे, तेलंगाना के लिए यहाँ पे 1000 पोस्ट थे उनका डिक्लेयर हो चुका है, और आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पे 2700 पोस्ट थे वो डिक्लेयर हो चुका है, और पहले जो वेस्ट बंगाल के लिए 6000 के पोस्ट का लोग यहाँ पे जॉब लग चुके हैं, यानी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो आप ज़रूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए यहाँ पे, और आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैंने लिंक डाल दिए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो वहाँ से क्लिक करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका डाउट हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, आपको सारी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।